नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के सदर अस्पताल के क्वालिटी जांच हेतु पहुंची टीम, घंटों चली जांच, सौंपेगी सरकार को रिपोर्ट। आजसू ने ग्रामीण क्षेत्र से फूंका चुनावी बिगुल, मंत्री ने कहा आजसू फतह करेगी चुनावी मैदान। 11वीं के छात्रों को फेल किए जाने के खिलाफ जिला मुख्यालय पर छात्रों ने किया प्रदर्शन, जैक काउंसिल का जताया विरोध। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में एक वर्ष पूर्व हुए क्वालिटी सर्टिफिकेशन को लेकर एनक्वास के डॉक्टर कोकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गहनता से अस्पताल के क्वालिटी की जांच की। बता दें कि जांच के बाद दिए गए रिमार्क के द्वारा स्थायी तौर पर अस्पताल का सर्टिफिकेशन होगा। एक वर्ष पूर्व विभिन्न शर्तों के आधार पर सदर अस्पताल के क्वालिटी का सर्टिफिकेशन हुआ था, जिसको लेकर दिल्ली के एक्वांस की टीम सदर अस्पताल पहुंची, जहां टीम के उपस्थित डॉक्टर कोकर ने सारे प्रोसेस को देखा। बता दें कि टीम के द्वारा जांच के उपरांत जो रिमार्क अस्पताल को दिया जाएगा, उसके बाद अस्पताल को स्थायी तौर पर क्वालिटी का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इस दौरान टीम ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों से लेकर ओटी का भी निरीक्षण किया, जहां टीम द्वारा अस्पताल के इक्विपमेंट्स के लिए जारी प्रमाण पत्रों की भी जांच की गई। हालांकि जांच टीम के पहुंचते ही अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। वैसे जांच टीम के सदस्यों ने इस बाबत कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने बताया कि जांच टीम सभी प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है, जो अस्पताल के इक्विपमेंट्स की उपयोगिता और उसकी मान्यता की जांच कर रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार को सौंपेगी। ये डॉक्टर कोकर NHRC से टीम आई है। हमारे क्वालिटी का जो सर्टिफिकेशन हुआ है वो कंडीशनलिटीज़ के साथ सर्टिफिकेशन हुआ था। अब ये अपना सारे चीज़ प्रोसेस को देखेंगे, उसके बाद इनके रिमार्क पे हमारा परमानेंट क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। आजसू पार्टी ने भी ग्रामीण इलाकों में चुनाव की तैयारी शुरू की है। शनिवार को बोड़ाम प्रखंड में आजसू पार्टी के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री सर जुक्सलाई के विधायक रामचंद्र सहित उपस्थित हुए। हजारों की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष इस विचार गोष्ठी में शामिल होकर अपने परेशानियों से मंत्री को अवगत कराया। वहीं मंत्री ने इन तमाम मुद्दों के जल्द निदान का भरोसा क्षेत्र के जनता को दिलाया। बातचीत के क्रम में मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उन्हें लगातार वर्ष 2009 से ही मिलते आ रहा है और आगे भी मिलेगा। इस बार जनता के समक्ष जो वर्तमान समस्याएं हैं, उन्हें समाहित कर उस पर विचार किया जा रहा है और उसका समाधान भी जल्द कर दिया जाएगा, ताकि पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर कर उसे फतह कर सके। पार्टी समर्थित कार्यकर्ता सभी की जाना आज आजसू पार्टी तरफ से के हम सभी जान रहे हैं कि बहुत नजदीक झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम तय कर रही है। आजसू पार्टी भी पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रारंभ कर चुकी है। उसी का एक पार्ट जुक्सलाई विधानसभा के इस बोड़ाम प्रखंड में पार्टी के वरीय नेता, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ एक विचार मंथन सभा का आयोजन किया है, जिसमें अधिकतर नेता अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो आवश्यक है, उन विचारों को समाहित करते हुए विधानसभा निर्वाचन की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं।
जमशेदपुर में छात्र आजसू के द्वारा कक्षा 11वीं के अधिकतर छात्रों को फेल किए जाने का विरोध लगातार जताया जा रहा है। इनके द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से जैक काउंसिल का विरोध शनिवार को जिला मुख्यालय में जताया गया। आपको बता दें कि विगत दिनों कक्षा 11वीं के छात्रों की परीक्षा जैक काउंसिल के द्वारा आयोजित की गई थी। परीक्षा 100 अंकों के लिए ली गई थी, जबकि मूल्यांकन 50 अंक के तहत कर दी गई और इसमें 80% छात्रों को फेल कर दिया गया। इसी का विरोध इनके द्वारा जताया जा रहा है। वैसे ये विरोध सभी छात्र संगठनों के द्वारा जताया जा रहा है। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर इन्होंने कहा कि काउंसिल या तो सभी छात्रों को पास करे या फिर सभी का दोबारा परीक्षा लिया जाए। 11वीं की परीक्षा में मार्जिनल हुए छात्रों के हक की आवाज़ को लेके चरणगत आंदोलन किया जा रहा है। पहले डीसी ऑफिस के डीओ ऑफिस का घेराव हम लोगों ने किया, आयुक्त महोदय के पास हम लोग अपने सुख असुविधा को लेके आए हैं कि जैक के द्वारा एक नियम लगा दिया गया है, पास प्रमोट और मार्जिनल। पहले हम लोगों ने सुना था कि पास और फेल, आखिर ये मार्जिनल होता क्या है। हम ये मांग को लेके आए हैं कि अगर आप पहले साल की परीक्षा में बच्चों को फेल कर रहे हैं दूसरे साल के मुकाबले, तो दूसरे साल को पास करने के लिए जैक के द्वारा कंपार्टमेंटल की परीक्षा ली जाती है। अगर जब सेकेंड ईयर में कंपार्ट की परीक्षा हो सकती है तो प्रथम वर्ष के एग्जाम में जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम की व्यवस्था जैक के द्वारा क्यों नहीं की गई है। जमशेदपुर में वनवासी कल्याण केंद्र का प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पूरे राज्य से आए वनवासी समाज के लोग विलुप्त होते प्रजाति को पुनर्जीवित करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जहां धर्मांतरण पर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। वहीं इस सम्मेलन में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को सरकार द्वारा वनवासी जाति को दी जा रही सुविधाओं से वंचित करने का निर्णय लिया गया। साक्ची स्थित अग्रसेन भवन में वनवासी कल्याण केंद्र का एक दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पूरे राज्य से 500 से अधिक वनवासी जाति के लोग एकत्रित होकर विलुप्त होती प्रजाति को फिर से पुनर्जीवित करने का विचार विमर्श करते नजर आए। वहीं इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जहां धर्मांतरण को रोकने पर विचार विमर्श किया गया। संगठन के ईस्टर्न जोन प्रभारी प्रणय कुमार ने कहा कि धर्मांतरण के कारण आज कई जातियां विलुप्त होने के कगार पर है, जिसे पुनर्संरक्षित कर सुरक्षित कैसे रखा जाए इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और यहां पर जो जनजातियों को व्यापक रूप में धर्मांतरण हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, सरकार को हम इसके लिए तैयार करना चाहते, दबाव डालना चाहते हैं कि भाई यहाँ जो चर्चेस के द्वारा धर्मांतरण हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। और हमारा ये विषय भी है कि जो जनजाति धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनको फिर अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं रख करके उनको अल्पसंख्यक कर लेना चाहिए। इन मुद्दों पर भी चर्चा होगा। और इसके अलावा जैसे हमारे लगभग 40,000 बच्चे हमारे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और एकल विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनकी और कैसे प्रगति हो, 1,000 से अधिक बच्चे हमारे छात्रावासों में रह करके पढ़ रहे हैं, उनकी हम और कितनी प्रगति करा सके, और करीब 1,300 सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह है जिसमें करीब 12,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, तो उनके और इन महिलाओं का सशक्तिकरण, जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो। जमशेदपुर के गणिनाथ सेवा संस्थान द्वारा कुल देवता बाबा गणिनाथ महाराज की जन्मोत्सव सह 46वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। लगातार पिछले 46 वर्षों से संस्थान के द्वारा यह आयोजन कर अपने कुलगुरु को नमन किया जा रहा है। मौके पर समाज के 5,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान संस्था के द्वारा लगातार समाज हित में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया गया। मौके पर तमाम अतिथियों ने संस्थान के प्रयासों को सराहा। वहीं इस बार कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी ध्यान दिया गया। वहीं समाज के लोगों द्वारा 5 गरीब तबके के महिलाओं का चयन कर उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से वे स्वरोजगार कर खुद को और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। श्री गणिनाथ सेवा संस्थान के द्वारा बाबा कुलगुरु परमदेव
गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव 46वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, साथ जयंती वार्षिकोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम जो 46 साल से करते आ रहे हैं, आज 46वां साल चल रहा है। इसी कड़ी पर जो हमारे जिला से लगभग 5000 परिवार संस्थान के बाल बच्चे के सहित उपस्थित होते हैं, इसी के लिए हम लोगों ने इसमें से कड़ी को में से 5 जो ऐसे हमारे समाज के जो महिला थी उनको चुना और उनको जो है सिलाई मशीन प्रदान किए, जो समाज के लिए एक पहली बार समाज ने एक कार्य किया है। जो वर्तमान कमेटी जो अपने सेवा के अपने मार्गदर्शक के ऊपर सामाजिक सरोकार के लिए अपनी प्रेरणा के लिए बनाने के लिए कोशिश की है। जमशेदपुर में 15वां इंडियन ओपन योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां देश के विभिन्न प्रांतों से आए 500 से अधिक खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी और इनामी राशि पर अपना कब्जा जमाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। साक्षी स्थित बंगाल क्लब में 2 दिवसीय 15वां इंडियन ओपन योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आई कुल 560 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं आयोजक समिति के सदस्य वैशाली कर्मकार ने कहा कि योगा को बढ़ावा देने के लिए एवं युवा पीढ़ी को योगा से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से इंडियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जहां पहली बार इस चैंपियनशिप में इनामी राशि की घोषणा की गई है, ताकि युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित हो सके। वहीं योगा से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, जिसकी जरूरत आज के लोगों को है। वहीं इस चैंपियनशिप का समापन 1 सितंबर को किया जाएगा। योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत जितना बच्चे को है उससे ज्यादा एक एज में होता है। इसीलिए हम लोग खास करके एजेड लोगों को योगा के प्रति उत्साहित करने के लिए अबव 30 ईयर्स मेन एंड वुमेन का कंपटीशन अलग रखे हैं, उनका चैंपियनशिप भी अलग, और फर्स्ट प्लेस विनर ऑफ ग्रुप मेन एंड वुमेन को कैश अवार्ड 1000 रुपीज़ हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेन एंड वुमेन इसमें पार्ट लें। पोटका प्रखंड के कुलाड़ी पंचायत में 12 परिवार ऐसे हैं जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से तेजस्विनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जिले के सिविल सर्जन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया। जल्द से जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग उठाई है। पिछले दिनों तेजस्विनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की एक प्रतिनिधि मंडल ने जानकारी मिलने पर पोटका प्रखंड के कुलाडिया पंचायत का भ्रमण किया, जहां उन्होंने पाया कि गांव की स्थिति बद से बदतर है। 12 परिवार उस गांव में ऐसे हैं जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है। दिन भर वे भिक्षाटन कर अपने लिए दवाइयों की पूर्ति करते हैं। बता दें कि इलाज के अभाव में गांव के कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों को उनके इस स्थिति से उन्हें उबारने के लिए तेजस्विनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने बीड़ा उठाया है, जहां उन्होंने जिले के सिविल सर्जन से मुलाकात कर उनकी स्थिति से उन्हें रूबरू कराया और जल्द से जल्द गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग उठाई। पखंड में एक दुर्को गांव है, जहां पर 14-15 आदमी कुष्ठ रोग से ग्रसित है, जिनको गवर्नमेंट के तरफ से कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सिविल सर्जन को आज ज्ञापन देने आए थे जो गवर्नमेंट के तरफ से उन लोग को चिकित्सा सुविधा मिले। उन लोग अपना भीख मांग के अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कुछ दिन पहले बिना ट्रीटमेंट के एक आदमी मर भी गया। खाने का भी सुविधा नहीं है, पानी पी के फेना खा के वो लोग क्या बोलेंगे, भात का जो ही होता है मार, उसको पी के वो लोग अपना जीवन जा। सर बोले हैं जो मंगलवार तक वो बीएलओ के पास भेजेंगे लेटर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, नहीं होता तो फिर हम लोग आएंगे। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने के लिए सिविल सर्जन से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और सिविल सर्जन से एक मांग पत्र सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रोधी संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल खासमाल स्थित असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वर प्रसाद से मिलकर मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में सिविल सर्जन से कहा गया कि दिनांक 14 सितंबर को हर हर गुट्टू स्थित
प्राथमिक सोमाई झोपड़ी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सह दवा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस शिविर में चिकित्सा हेतु डॉक्टर एवं मेडिसिन की मांग की गई है, ताकि शिविर में आए लोगों को समुचित इलाज मिल सके। जहां सिविल सर्जन ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि इस शिविर हेतु डॉक्टर एवं दवा की व्यवस्था कर दी जाएगी। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध विरोधी संगठन की तरफ से सिविल सर्जन से मिलने आए थे। हम लोग 14 सितंबर को बागबेड़ा सोमैया झोपड़ी में, जो कि बहुत रूरल एरिया है, वहाँ पर हम लोग एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ डॉक्टर्स और मेडिसिन वगैरह उपलब्ध कराने के लिए सिविल सर्जन से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि बहुत चीज़ों का अभाव है, बट यथासंभव हम आपको सहयोग प्रदान करेंगे। ये सारे चीज़ों को लेकर हम लोग आए थे, और हम लोग चाहते हैं कि उस कैंप में मतलब अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले और इस कैंप का, फ्री हेल्थ चेकअप का, और अच्छी तरीके से सारे लोगों का। अभी जैसे वहाँ कुछ दिन पहले डस्ट की समस्या सुने थे, डस्ट और हैज़ा वगैरह फैला था, तो उससे डायरिया वगैरह फैला था, तो उस सब को लेकर के हम लोग उस कैंप वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को अच्छा सारा चीज़ सहयोग मिले, यहाँ सिविल सर्जन के तरफ से भी, और फ्री मेडिसिन वगैरह ये सब हम लोग उन लोगों को उपलब्ध करा सकें। जमशेदपुर में तीज का पर्व को लेकर बाजार सज चुका है, और सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए तीज पर्व करती हैं। वहीं दिन भर भूखे प्यासे रहकर नए कपड़े पहनकर सज धज कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस बार पंजाबी फिल्म की हीरोइन ने भी सिने तारिका माधुरी के दीवाने पप्पू सरदार के दुकान पहुंच गई और हाथों में मेहंदी लगवाई। वैसे जहां एक तरफ महिलाएं इस पर्व को लेकर अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है, वहीं माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने सुहागिन महिलाओं के लिए मेहंदी रचाव की व्यवस्था कर रखी है। वैसे सभी महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मेहंदी रचाकर भगवान को खुश कर सके। वैसे प्रतिवर्ष पप्पू सरदार द्वारा मेहंदी रचाने का कार्यक्रम किया जाता है, और इस साल भी सभी महिलाओं को फ्री में मेहंदी रचाई गई। दो दिनों के इस आयोजन में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। मैं यहाँ पे इससे पहले काफ़ी बार आई हूँ, और ऐसे तो पहले मैं नाम से जानती थी, जब मैं छोटी थी देखती थी कि यहाँ पे माधुरी दीक्षित का काफ़ी बड़ी ये फ़ैन है, और बाकायदा ये इज्जत है, मैंने माधुरी दीक्षित के जितनी भी बर्थडे हैं सब मनाते हैं, और मैं भी फ्यूचर में इस फील्ड में हूँ जा रही हूँ, और ये बस इज्जत इनसे मिला तो जिसको बस मैं यहाँ पे आती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो इनको मैं भैया बोलती थी, तो बस उन्होंने कहा जब तुम भैया बोल ही रही हो तो बहन का रिश्ता लगता है ऐसे, तो तुम मुझे राखी बांधो। फिर जब मैंने राखी बांधा तो इनका नेचर इतना अच्छा रहा कि मैं हमेशा इनसे बात करती यहीं पर आती हूँ, और ये सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी एक जन का, काफी लोगों का। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।